15 HP का ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल है। इस पे आप देखिए लगभग 10 से 12 फीट का खींचने वाला पाइप लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज एक बार फिर आया हूं मैं वसुंधरा कृषि यंत्र भोपाल में, जहां पे भानु सर हमारे साथ खड़े हैं। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भूसा भरने की मशीन, जिसे एक्स्ट्रा लोडर भी कहा जाता है, वो किस किस क्वालिटी की आती है, कैसे काम करती है, उसके बारे में भानु सर हमारे साथ है और ये देंगे विस्तृत जानकारी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे सर। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैक्ट्री में और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर आज मैं आपको हम लोग भूसा मशीन जो हम जिसको स्टॉल लोडर कहते हैं, जो किसानों को भूसा भरने के काम में आती है, वो मशीन पूरी हम किस तरीके से बनाते हैं और बनाने के बाद में किस तरीके से टेस्ट करके किसानों को देते हैं, वो पूरा आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मशीन किस तरीके से काम करती है, यानी हम आपको मशीन को चला करके भी दिखाएंगे। जैसे देख रहे हैं ये यहाँ पर इसके बॉक्स बने हुए रखे हैं, ये भी पूरा लेज़र पे कटने के बाद में बनते हैं। बहुत ही मोटी 5 mm की शीट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद इधर पे जो भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं प्रॉपर मशीनों पे बेंडिंग होने के बाद में, कटिंग होने के बाद में यहाँ पे मिग वेल्डिंग से जोड़ी जाती है। आप उस तरफ देखेंगे वहाँ पर मशीन का इम्पेलर वगैरह बन रहा है, वो इम्पेलर भी प्रॉपर तरीके से बनाने के बाद में डायनेमिक बैलेंसिंग करने के बाद में ही मशीन में फिट किया जाता है। करने के बाद में ये कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद में अभी क्या होगा, ये ट्रैक्टर पे एक्चुअल जिस पोजीशन में किसान इसको चलाने वाला है, हमने कोई टेस्टिंग यूनिट यानी कोई मोटर से चलने वाली मशीन नहीं लगाई है, हम एक्चुअल उस स्थिति में ट्रैक्टर में जैसे चलने वाली है वैसे इस मशीन को लगा के टेस्ट करते हैं। वही PTO शाफ्ट जो इसके साथ जाने वाली है, वही मशीन को पूरी तरीके से इसको टेस्ट करने के बाद में 10 से 15 मिनट चलाने के बाद में ही ये मशीन वापस दूसरी जगह पे जाएगी जहाँ से ये डिस्पैच होगी। यहाँ पे देखिए हमने सभी जगहों पे कस्टमर का ख्याल रखा है कि बेयरिंग्स भी यहाँ पे दो बेयरिंग होते हैं इसके अंदर 6309 के यहाँ पर भी, और ये पुली भी हमने डबल स्टेप में इसलिए दी हुई है कि मैं वही पूछने वाला था। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा था सर कि जैसे बहुत सारे लोग अभी आजकल बनाने लग गए, वो क्या कर रहे हैं 24 इंच की या कोई पुली वहाँ पे लगा देते हैं और दूसरी पुली यहाँ पे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा RPM पे चलाना पड़ता है या फिर कई बार वाइब्रेशन होते हैं ना, तो वाइब्रेशन की वजह से बड़ी जो पुली होती है वो टूट जाती है, यहाँ से क्रैक हो जाती है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमने क्या किया है कि हम इसको दो पुलियाँ लगाई हैं, छोटी पुलियाँ लगाई हैं और दो पुलियाँ लगाई हैं और प्रॉपर CNC मशीनों पे इसकी मशीनिंग की जाती है ताकि ये पुली में कोई बैलेंस नहीं रहे, मशीन वाइब्रेशन नहीं करे और इस तरीके की कोई समस्या इसमें नहीं आए और ट्रैक्टर कम स्पीड पे ज़्यादा RPM दे सके। क्योंकि एक बार इम्पेलर बनने के बाद बैलेंसिंग होता है, उसके बाद इस मशीन को यहाँ पर लगाने के बाद भी इस इम्पेलर की बैलेंसिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है, इसके बाद में ये मशीन को आगे कस्टमर के पास भेजा जाता है। मैंने आपसे 2 साल पहले मैं एक बार आया था, तब भी एक बात पूछी थी, आज वापस पूछना चाहता हूँ कि जैसे ट्रॉली तो आपने ये दे रखी है, इसको ट्रैक्टर से खोलने के बाद फिर इस तरह PTO लगेगा, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब इस मशीन को, ये मशीन अभी जैसे वहाँ पे स्टूल पे रखी है, जब हम अभी आपको चला के दिखाएंगे तो इस मशीन को नीचे की तरफ झुका दिया जाता है, झुकाने से इस मुंह का जो डायरेक्शन है वो सही हो जाता है, इफिशियंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलावा जो अगर इस तरीके की मशीन बनाए हम, तो मशीन अगर इस तरीके की बनाएंगे तो ये दो पुली लगाने के लिए मशीन को बहुत ऊंचा बनाना पड़ेगा, जिससे काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी और जो काम करने में दिक्कतें भी ज़्यादा आएंगी। ठीक है, मशीन रखी हुई है यहाँ पर, ये मशीन भी ये मोटर से चलने वाली मशीन है, पर इसको पुली लगाकर इस मशीन को भी पहले टेस्टिंग किया जाएगा, टेस्टिंग करने के बाद में ही इस मशीन को कस्टमर को दिया जाएगा। अच्छा, कई बार लोग ये पूछते हैं जैसे ये लगा हुआ है कि यार जब यही मशीन ट्रैक्टर से भी चल सकती है तो आपने वैसी मशीन क्यों की, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। बिल्कुल। देखिए क्या होता है, एक मशीन को जब हम मतलब इसको ट्रैक्टर से जब चला रहे हैं तो या तो हम ये सिंगल पुली लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया कि सिंगल पुली लगाने में क्या होता है, ये पुली वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो किसान को फिर ये बहुत भारी पड़ती है, मतलब 5-6 हज़ार के आसपास में पुली आएगी तो वो नुकसान बहुत होता है। तो हमने क्या किया, डबल पुलियाँ की और छोटी पुलियाँ की जिनमें टूटने का कोई कंप्लेंट नहीं है। अब अगर इस मशीन पे हम पुली लगाएं तो हमको बड़ी ही लगानी पड़ेगी, और अगर दो लगाएं तो चेसी बढ़ाना पड़ेगा, तो चेसी बढ़ा दिया तो फिर उसके बाद बचता है टायर, वही लगाया और कुछ किया नहीं है। तो ये स्पेशली मोटर से चलने के लिए इसलिए बनाई हुई है कि इनकी जो डिस्टेंस है वो कम है, क्योंकि मोटर पे छोटी पुली होती है और इतनी डिस्टेंस में हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है
मान लो आपने यहाँ पे पुली लगा दी, आप देखो ये पुली इतनी आधे पे कॉन्टेक्ट में यहाँ पर है ना, तो यहाँ आप जितनी बड़ी पुली लगाओगे तो ये छोटी पुली पे संपर्क में कम आएगी तो स्लिपेज ज्यादा होगा, बेल्ट खराब होंगे या कुछ इस तरीके की दिक्कत आएगी। इसलिए ये मशीन को हम मोटर ऑपरेटेड ही बोलते हैं और मोटर से चलाने के लिए ही रिकमेंडेड है। दूसरी मशीन जो वो है वो ट्रैक्टर से चलाने के लिए रिकमेंडेड है। मोटर से चलानी हाँ, तो ये लो, ट्रैक्टर से चलानी तो बोल। इसमें ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनों में हमारे पास दो मॉडल हैं, एक 10 HP का मॉडल है और एक 15 HP का मॉडल है। और जो मोटर से चलने वाली मशीन है उसमें हमारे पास दो मॉडल हैं, एक 7.5 HP का मॉडल है और एक 10 HP का मॉडल है। तो जैसे कि यहाँ मशीन आगे टायर लगाने ही बाकी है, तो हाँ, टायर ट्रायल के बाद में लगते हैं कि पहले लगते हैं? टायर ट्रायल के बाद में लगते हैं, क्योंकि कई बार ट्रांसपोर्ट से मशीन जाती तो टायर खोल के ही भेजना पड़ता है। तो टायर क्या होता है, जैसे कस्टमर की सुविधा के हिसाब से, अगर वो खुद ले जा रहे हैं तो उनको टायर लगा के दे देते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट से जा रही है तो खोल के देते हैं। टायर से याद आया एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, चूँकि मशीन की कॉस्ट ना बढ़े और मशीन वैसे भी टायर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, इसलिए हम मशीन में सेकेंड हैंड रिमोल टायर डालते हैं। वो हम कस्टमर को बता के भी हमेशा देते हैं और आपके वीडियो के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ। कस्टमर अगर नया लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं या अपने से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर सेकंड हैंड रिमोल टायर सही होता है, उससे इस पे जो ज्यादा लोड तो कोई पड़ना नहीं है, दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल। इस तरफ में मशीनें आके सारी बन के रखा जाती हैं, जैसे पीछे की तरफ जो आप मशीनें देख रहे हैं, आप देखिए एक स्टीकर मशीन पे लगा होगा ओके टेस्टेड। ये प्रोसेस क्या है कि मशीन पहले जब 15 मिनट टेस्ट हो चुकी है उसके बाद ये स्टीकर यहाँ पे लगा दिया जाता है, इससे हमको पता रहता है कि हमने इसको टेस्ट कर लिया है और ये ओके है। मशीन को चलाने के लिए भी यहाँ पे देखिए आप पूरे निर्देश इस पे दिए हुए हैं, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है मशीन चलाते हुए, ताकि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्या होता है, मशीन को जो मशीन जो बनाई गई है वो लगभग 12 से 15 के बीच की स्पीड में चलाने के लिए बनाई गई है, ठीक है, 540 RPM के ट्रैक्टर पर। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 10 से शुरुआत करते हैं, 15-16 तक मशीन को एक 10 मिनट 15 मिनट पूरा चेक करते हैं, और हम इसको ट्रैक्टर पे ही चेक करते हैं उसी PTO के साथ जो PTO मशीन के साथ जाने वाली है, और वही सारी चीज़ों के साथ में जो मशीन के साथ हम कस्टमर को डिलीवर करने हैं, ठीक। इस तरह से वहाँ से पूछा ड्रिल करना है, हाँ। आप देखिए ये मशीन चल रही है, हम ट्रैक्टर की स्पीड भी दिखाएंगे, कितना खींचने वाला पाइप लगा है वो भी दिखाएंगे, और कितना फेंकने वाला पाइप लगा है, कौन सा मॉडल है वो भी बताएंगे। ये 15 HP का ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल है, इस पे आप देखिए लगभग 10 से 12 फीट का खींचने वाला पाइप लगा हुआ है, और फेंकने वाले पाइप की बात करें तो मेरे ख्याल से लगभग 70 फीट जितना पाइप होगा फेंकने वाला पाइप। आप देखिए वहाँ पर कितनी तेज़ी से पूरा काम कर रहा है, जितना डाल रहे सारे खींच के ले जा रहा है, सारे खींच के ले जा रहा है। इसमें सावधानी रखने का काम ये होता है कि ये वैक्यूम पे काम कर रही है मशीन, मतलब इसमें एक 10-15% हवा भी होनी चाहिए, जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। हाँ, एक मिनट, हाँ पूछा जब आता है तब बहुत प्रेशर से आता है, इसके लिए आपको जो भी गोडाउन वगैरह है वो बंद होना चाहिए ताकि वो बाहर की तरफ निकले ना। देखिए कितना भी बांध गया, कोई बेटर रहेगा, ये भी सही से बंधा हुआ नहीं है, देखिए कितनी तेजी से हिल रहा है, प्रेशर बहुत तेजी से आता है, तो पाइप भी बांध के रखना होता है, बिल्कुल। तो सर जैसे कि अभी हमने ट्रायल भी लिया, इसका डेमो करके भी देखा, यकीन बहुत शानदार काम कर रही है मशीन, में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। रही बात HP की, तो वो किसान भाइयों को डिसाइड करना है कि उनको हाँ मोटर ऑपरेट लेना है, ट्रैक्टर पे लेना है, 10 HP लेना है, 15 HP लेना है, बराबर। अब जैसे कि हमारे साथ किसान भाई काफ़ी संख्या में जुड़े हुए हैं और कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तक है, वो आप तक कैसे पहुंचेंगे? देखिए सर, उसको पहुंचने के लिए आपको हमारा प्रॉपर यहाँ पे सेल्स टीम है जो आपको सभी मशीनों के बारे में, ये मशीन हो या और भी आपको हमारी फैक्ट्री से कोई भी मशीन लेना है, उस मशीन के बारे में जब भी आप हमारे नंबरों पर संपर्क करते हैं वो आपको फ़ोटो वीडियोज़ देंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको मॉडल के सिलेक्शन करने में अगर किसी तरीके की तकलीफ़ है तो वो भी आपको समझाएंगे, वो पूरी
इसी प्रोसेस में आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा मॉडल लेना है। मॉडल लेने के साथ कौन सा मॉडल लेना है जब आपने ये डिसाइड किया, तो उसके बाद में आपका परचेजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। आप दो तरीके से माल ले सकते हैं, हमारे किसी डीलर से ले सकते हैं या हमसे मंगवा सकते हैं। आपके अगर आपके कोई नियर बाई डीलर हमारा है तो हमारा सेल्स टीम आपको इंटीमेट कर देंगे कि वहाँ पर आपको मशीन मिल सकती है। तो अगर आप हमसे ले रहे हैं तो हमसे लेने का प्रोसेस ये है कि मशीन हम ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं, मशीन का जो भी अमाउंट बनता है उसका 50% अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है और आपको मशीन हम भेज देते हैं। भाड़े का जो भी अमाउंट होता है वो भी आपको बताया जाता है, बाकी का पैसा जो होता है आपको DD के मोड में देना होता है। कई बार किसान ये भी करते हैं कि भाई हम DD नहीं बना रहे हैं, हम कैश दे देंगे। तो मैंने एक आधा बार आपकी वीडियो में पहले भी कहा है, बोला है कि इसमें ना विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पैसे डाल दिए हैं तो जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट को इस बात की जानकारी देते हैं कि भाई हमें पेमेंट मिल गया है, आप सामने मशीन को डिलीवरी कर दीजिए। तो वो जो उनकी पूरी प्रोसेस है वो एक दिन की प्रोसेस होती है। वहाँ तो पेमेंट डिपॉजिट होगा, फिर आपके पास आएगा, वहाँ से ट्रांसपोर्ट तक जाएगा। कभी भी ऐसा घबराने की जरूरत नहीं होती है कि यार हमने पैसा डाल दिया है पता नहीं मशीन है या नहीं है, इस तरीके कुछ नहीं है। आपको जो हम लोग टॉप ब्रांड सेफ एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट है उससे काम करते हैं, आपको पूरा डॉकेट नंबर मिलेगा, उससे आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर पर बात कर सकते हैं, आपकी मशीन किस पोजीशन पे है, कहां पहुंची है, वो पूरी जानकारी आपको डे फर्स्ट से मिलेगी। जी, जिस दिन भी हमने आपसे बोला है उस दिन ही हम डिस्पैच करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कभी कभार एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, छुट्टियों का आ जाता है, कभी ट्रांसपोर्ट की छुट्टी आ गई, कभी किसकी आ गई, वो एक अलग इशू है। बाकी अगर आप हमारे आसपास कहीं है तो आप आके ले जा सकते हैं, भोपाल में आके ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मशीन कैसी लगी कमेंट करें। अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर दिए गए जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, और खरीदनी तो जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ कि स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, सर ने पूरी प्रोसेस समझा दी है। और वीडियो को फेसबुक पे देख रहे थे हमें फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा आपको यहाँ मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।